लंबे इंतजार के बाद यशराज फिल्म्स ने 2018 की सबसे चर्चित फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर यश चोपड़ा के जन्मदिन पर रिलीज कर दिया। पहली बार अमिताभ बच्चन आमिर खान के साथ किसी फिल्म में काम करते नजर आएंगे। इवेंट में कैटरीना कैफ, फातिमा, सना शेख समेत कई कलाकार मौजूद रहे। कहानी 1975 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बाद शुरू होती है। कंपनी भारत में कारोबार करने के लिए आई है, लेकिन वह लोगों को गुलाम बना रही है और भारत में शासन करना उसका एजेंडा है। कई लोग कंपनी के सिपाहियों के सामने झुक जाते हैं, लेकिन आज़ाद यानी अमिताभ बच्चन को गुलामी कबूल नहीं है। आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। आज़ाद के गोरिल्ला हमलों से कंपनी को बहुत नुकसान होता है। अंग्रेजी अफसर क्लाइव आज़ाद को पकड़ने की योजना बनाता है, हालांकि इसके लिए उसे आज़ाद जैसे चालाक ठग की ज़रूरत है। क्लाइव के लिए कानपुर अवध का फिरंगी मल्ला यानी कि आमिर खान ये काम करने को तैयार होता है। फिरंगी मल्ला खुद बताता है कि वह कितना कमीना है। इसके बाद फिरंगी की आज़ाद के साथ एंट्री होती है। संघर्ष दावपेच ट्रेलर में नज़र आया। बाद में आमिर भी अंग्रेज़ों से अलग होते हैं। आमिर अंग्रेज़ों से अलग कैसे होते हैं, कैटरीना की फिल्म में क्या भूमिका है, इसका खुलासा फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही होने वाला है। फिल्म पीरियड ड्रामा है। इसमें उस दौर के सीन को बहुत दिलचस्पी से फिल्माया गया है। समुद्री जहाज में कई खतरनाक स्टंट हैं। वहीं अमिताभ बच्चन भी लंबे वक्त बाद ऐसे स्टंट करते हुए नजर आएंगे। फातिमा सना शेख को देखना दिलचस्प है। एक सीन में उन्हें तीरंदाजी करते हुए देखकर बहुत शानदार लगती हैं। वैसे पहले भी कहा जा रहा है कि यह फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से प्रेरित हो सकती है। हालांकि ट्रेलर में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की कहानी काफ़ी हद तक अलग नजर आई, लेकिन आमिर का किरदार पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जॉनी डेप से काफ़ी मेल खाता हुआ नजर आया। फिरंगी मल्ला का किरदार उतना ही शातिर, हाजिर जवाब, मस्खरे वाला है जैसा कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जॉनी डेप का किरदार था। फिल्म की ट्रेलर लॉन्चिंग का इवेंट वडाला मुंबई के IMX में रखा गया। यहां सितारों ने फिल्म से प्रेस के बारे में बातचीत की। वहीं प्रेस को बताया कि उनका ट्रेलर किस तरीके से बनाया गया और साथ ही साथ मूवी से जुड़ी कई रोचक बातें उन्होंने की। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।